अस्सलाम वालेकुम, फिर भी बुला लो। आज अपन इयत्ता आठवी विषय मराठी अजून पाठ नंबर 9 भूमिगत इसके मायने है रूपोष। उर्दू में रूपोष यानी छुपकर काम करना, और यानी इंग्लिश में अंग्रेजी में जिसे कहेंगे अंडरग्राउंड जिसे हम कहेंगे। और इसके लेखिका है मुमताज रहमतपुरे। मेरे बच्चों, मुमताज रहमतपुरे ने जो है तो इस सबक में ये बात बताने की कोशिश की है कि हमारे देश को आज़ादी या आज़ाद कराने के लिए, अंग्रेजों की गुलामी से आज़ाद कराने के लिए कई क्रांतिकारियों ने जो तो अपनी जान माल की जो कुर्बानी देकर हमें अंग्रेजों से आज़ादी दिलवाई। तो प्यारे बच्चों, यहाँ पर हमें एक देश प्रेमी का जज्बा, एक उपुल वत्नी का जज्बा जो तो इस सबक में, इस पाठ में, भूमिगत में हमें मिलता है। तो प्यारे बच्चों, यहाँ पर हर समाज के, चाहे वो मर्द हो या औरत हो, उन्होंने बढ़ चढ़कर जो है तो इस क्रांति में, इस चळवळ में, इन मराठी में चळवळ कहेंगे और उर्दू में तहरीक में जो तो हिस्सा लिया। और 8 अगस्त 1942 से हमारा जो है तो आने वाला 8 अगस्त जो है तो प्यारे बच्चों क्रांति दिन के अलावा, तो 8 अगस्त से लेकर 8 अगस्त 1942 से लेकर महात्मा गांधी जी ने जो है तो अंग्रेजों को नारा दिया था, छोड़ो भारत। हाँ, गांधी जी जो है तो हमारे रहनुमा भी हैं, राष्ट्रपिता भी हैं, तो उन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ ये मुहिम शुरू की कि हमें अंग्रेजों की गुलामी से आज़ादी चाहिए, और उनका साथ देते देते जो तो कई क्रांति, जैसे कि यहाँ पर लोकमान्य तिलक है और शहीद अब्दुल हमीद, अशफाकुल्लाह खान और ऐसे कई बड़े, सुखदेव, राजगुरु, भगत सिंह, इन जैसे रहनुमाओं ने जो है तो यहाँ पर क्रांतिकारक बनकर जो है तो हमें अंग्रेजों की गुलामी से आज़ादी दिलवाई। इस सबक में भी, भूमिगत सबक में भी वही चीज़ बताई गई कि चाहे कोई भी समाज का इंसान, यहाँ पर शंकर, अब्दुल और अब्दुल की पत्नी जयमुन, इन तीनों में भी यही बात बताई गई है कि भाई हमें अंग्रेजों की गुलामी से आज़ादी मिलने के लिए जो है तो चाहे किसी भी हद से गुजरना पड़े तो हम पीछे नहीं हटेंगे और एक दूसरे का साथ मिलकर देंगे, डट कर देंगे, हिम्मत से देंगे और अंग्रेजों की गुलामी से हमारे देश को आज़ाद करेंगे। तो यही मकसद, यही एक बात, एक जो मैसेज इस सबक में हमें मिलता है। पहले बच्चों, यही पर, यहाँ पर आप जो है तीनों की कहानी में हम कहानी उनकी सुन चुके हैं और यही बात जो है तो मैं आपको समझाने जा रहा हूँ।